भाई चित्कार यूनिवर्सिटी के लैब्स आर वेरी गुड, पूरे कैंपस में आपको वाईफाई मिल जाएगा। स्टिल सेकंड ईयर से भाई स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी। सोहन जी क्या हाल है? आज एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। जो भाई आज की वीडियो है जो इट्स मोर लाइक अ बिगनर्स गाइड फॉर चित्कार यूनिवर्सिटी। भाई जो लाइक फ्रेश है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनको थोड़ी नर्वसनेस होती है ना अंदर, भाई थोड़ी मतलब काइंड ऑफ होता है कि भाई क्या करेंगे फर्स्ट डे, क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, लाइक कोई हेल्प करते हुए गाइड करते। तो भाई आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ चित्कार यूनिवर्सिटी की, लाइक आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, कैरी करनी चाहिए, क्या क्या आपको चीज़ें नहीं कैरी करनी चाहिए। भाई मेरी गलतियाँ थी उससे मतलब अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सो भाई बेसिकली आई एम परसुइंग BCA फ्रॉम चित्कार यूनिवर्सिटी एंड आई एम इन माई थर्ड ईयर, दैट इज़ माई फाइनल ईयर। तो फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ भाई मैं। तो भाई मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो है मेरे को यूनिवर्सिटी का, तो मैं आपको आई गेस थोड़ा बहुत तो गाइड कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो वही है। तो भाई अगर आपको अपना एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, आपने अपनी फीस पे कर दिया, आपको रोल नंबर मिल गया अपने यूनिवर्सिटी का, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। सो नाउ यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, सो रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। आप लोगों ने एडमिशन लिया इसमें, सो दैट्स गुड। तो बेसिकली भाई मेरे को पता है मेजॉरिटी जो मेरी ऑडियंस इस टाइम इस वीडियो को देख रही है वो है भाई CSE वाली, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाली, या फिर मेजॉरिटी भाई कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं खुद BCA से हूँ। तो भाई उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा, फर्स्ट डे अगर आप जा रहे हो, इफ़ यू गाइस हैव योर लैपटॉप, अगर आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, PC की मैं बात नहीं कर रहा, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ आप कैरी कर सकते हो, अगर आपके पास वो है तो भाई हमेशा आप उसको अपने साथ रखो, हमेशा आप उसको लेके जाओ कैंपस में। बिकॉज जो क्या सीन है ना, जैसे भाई अगर आपको कुछ भी लाइक ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हो अपने लैपटॉप में, एंड आगे जो भी अभी प्रोग्रेस होगी वो आप एक ही जगह आपके पर्सनल लैपटॉप पे उसको इजीली स्टोर कर सकते हो, एंड आगे जाके नियर फ्यूचर में आपको चीज़ हेल्प करेगी। तो भाई मैंने अपने जो मेरा फर्स्ट ईयर था दो वो मेरा वो था क्या कहते हैं ऑनलाइन ईयर था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में मैं गया था, उस टाइम मैं लैपटॉप में लेके जाता था, तो भाई वो चीज़ मेरे को थोड़ी बैकफायर करी थी, बट अब मैं लाइक रेगुलरली लैपटॉप लेके जाता हूँ अपना। सो एक ये मेरी आप लोगों के लिए सबसे पहले सजेशन रहेगी कि हमेशा अपना लैपटॉप कैरी करें। स्टिल इफ यू डोंट हैव अ लैपटॉप एंड अगर आप बाद में बाय करने की सोच रहे हैं, नो इश्यूज़ भाई, चित्कार यूनिवर्सिटी के लैब्स आर वेरी गुड, आप उसके अंदर ईजिली वर्क कर सकते हैं। अच्छे PCs आपको दिए जाएंगे, अच्छा नेट कनेक्शन है, नेट कनेक्शन ज़्यादा है। भाई एक और बात जो काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं, मेरे पुरानी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि भाई वाईफाई है कैंपस में, हॉस्टल्स में वाईफाई है, क्या सीन है वाईफाई का एंड ऑल। तो भाई येस, पूरे कैंपस में आपको वाईफाई मिल जाएगा एंड उसका कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ऑब्वियस ही बात है। एंड येस, हॉस्टल में भी आपको वाईफाई मिल जाएगा, बट भाई एक कॉमन वाईफाई है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो भाई यू कैन इमेजिन इतना ज़्यादा अच्छा वाईफाई आपको नहीं मिलेगा। इट्स मोर लाइक 60-40%, तो 60% ऑफ द टाइम जो वाईफाई आपका ठीक काम करेगा, 40% आपको दिक्कत दे सकता है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप हमेशा अपना हॉटस्पॉट एंड ऑल सब कुछ रखें, फ़ोन तो होते ही आपके वो लोग सबके पास ही होता है, तो भाई हॉटस्पॉट का भी एक ऑप्शन हमेशा रखें, मेरे साथ भी होता है। दो जो उनकी लैब्स हैं उसके अंदर भाई लैन वायरिंग है, तो भाई इथरनेट वायरिंग है, तो उसमें ऐसा कोई इशू आएगा नहीं वहाँ पर अगर आप उनके PCs पे काम कर रहे हैं तो, बट स्टिल पर्सनल लैपटॉप काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है नेट कनेक्ट करते हैं। एंड उसका भाई एक और बात, भाई आपको थोड़ी थोड़ी स्कूल की फील आएगी इस यूनिवर्सिटी में, उसके पीछे का भाई एक और रीज़न है, दैट इज़ भाई इस यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म है, आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी एंड दैट इज़ कंपलसरी। जैसे आप तो अभी नए नए आए तो एक साल के लिए इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्ट, इफ़ यू कैन से भाई वी आर अ फ्रेशर, भी यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, जो भी चीज़ है वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। स्टिल सेकेंड ईयर से भाई स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी, सेकेंड सेमेस्टर से भाई स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी। उसके बाद भाई फाइन भी चढ़ते हैं, पर डे 100 रुपीज़ का फाइन है भाई, 100 रुपीज़ का ही फाइन है अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाते तो, ये सीन है। उसके बाद भाई चॉक पैड पे भाई अपने रेगुलर अपडेट्स रखना, जो भी है वो आपको आपका मेंटर टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा आपको क्या कर, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे चॉक पैड पे, ये सब कुछ। उसके बाद भाई सब बात आती है जो एक्स्ट्रा चीज़ें भाई मैं कैरी करता था बेवकूफ़ों की तरह अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, जो भाई मैंने लाइक थोड़ा भी रिग्रेट होता है मैं क्यों करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें अपने बैग में कैरी करता था, दैट इज़ लाइक भाई एक्स्ट्रा नोटबुक्स, बुक्स एंड ऑल। बुक्स आप कैरी करो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, नोटबुक्स आर एक आप नोटबुक रख लो जस्ट टू मेक नोट्स। स्टिल आई सजेस्ट यू कि भाई सभी कोई कोडिंग की क्लास है तो भाई आप अपने लैपटॉप में काम करना ज़्यादा प्रेफर करो, एंड नोट्स भी इफ़ यू गाइस कैन तो मैं लैपटॉप में नोट्स बनाऊँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम अपने लैपटॉप में नोट्स बनाता हूँ एंड दैट इज़ वे हेल्पफुल। उसके बाद भाई बात आती है लैपटॉप नया खरीदें, किस स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप चाहिए, ये सब कुछ। तो भाई अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत हैवी सॉफ्टवेयर रन करने हैं और आपका कोई पैशन आपको गेमिंग करनी होती है, जैसे मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, तो भाई
मैंने भाई अपने 2 साल ना, अब लिटरली 2 साल अपने कॉलेज के i3 10th generation 4 GB रैम वाले लैपटॉप के साथ भी निकाल लें निकले हैं वो, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है, बट आई सुजेस्ट एक मॉडरेट रेंज का लैपटॉप ले लीजिए, i5 10th generation, बहुत है भाई 8 GB रैम के साथ, बहुत वे सफिशेंट, ठीक है, एंड अच्छी, और स्टोरेज रखना भाई अच्छी खासी लैपटॉप में, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने कह रहा है 2 महीने अभी रिसेंटली अपना लैपटॉप चेंज किया है भाई, सो मैंने अभी रिसेंटली टफ़ S12 लिया है भाई, मैंने गेमिंग लैपटॉप लिया है, वो उसके मेरे पर्सनल रीज़न, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत गेमिंग भी करता हूँ, तो भाई उसके लिए मैंने लिया है। एंड भाई वन मोर थिंग भाई, अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेने ना, प्लीज़ भाई वेट का ध्यान रखना भाई, ये 3 किलो की मशीन मैं रोज़ कॉलेज लेके जाता हूँ भाई, मैं लाइक गलती करी थोड़ी इतनी भारी मशीन लेके, मेरे को लगती है ये चीज़, तो भाई थोड़ा वेट का ध्यान रखना, एंड फालतू सामान मत लेके जाना भाई बैग में, कोई सेंस नहीं बनती उसकी। उसके बाद भाई आज के टाइम में हर स्टूडेंट के पास भाई अपने ऑब्वियसली बात है गूगल पे पेटीएम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पेमेंट के सारे ऑप्शन होंगे, तो उसके बाद ऐसे कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू अगर किसी के पास नहीं है तो भाई उसका जुगाड़ कर लो, बिकॉज यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कुछ भी फूड ऑर्डर करना है कुछ भी करना है तो यू कॉन्ट यूज़ कैश अनलेस एंड यू हैव टू बाय समथिंग फ्रॉम द टक शॉप, दैट इज द स्टेशनरी शॉप एंड वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, टक शॉप में आपका कैश चल जाएगा, बट कुछ भी आपको फूड ऑर्डर करना हो वहाँ पे आपका कैश नहीं चलेगा, उसके लिए देर इज़ अ यूनिवर्सिटी ऐप दैट इज़ कॉल्ड यू फूड, मैं एक स्क्रीन शॉट यहाँ पर डाल दूंगा उसका, यू फूड के अंदर आपको ऑर्डर प्ले वो सिलेक्ट आउटलेट्स हैं वहाँ पे, आपको आउटलेट सेलेक्ट करना है क्या खाना है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद यू हैव टू पे ऑनलाइन एंड देन यू कैन कलेक्ट द फूड, ये सीन है। तो भाई कैश का ऐसा कुछ ज़्यादा सीन है नहीं यूनिवर्सिटी में, तो कैश आप कम भी कैरी कर सकते हैं कोई इशू बात नहीं। उसका देख हॉस्टलर्स का मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि भैया हम अपना पर्सनल व्हीकल रख सकते हैं क्या, जिम का क्या सीन है हॉस्टल का, तो आई टेल यू चित्तकार यूनिवर्सिटी में अपना पर्सनल व्हीकल आप नहीं रख सकते, वो अलाउड नहीं है, एंड जो जिम है जिम इज़ अवेलेबल फॉर हॉस्टलर्स, बट उसके आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे मंथली फी मंथली चार्जेस, वो ऐसे मेरे को पता नहीं बिकॉज आई एम नॉट अ हॉस्टलर आई एम अ डे स्कॉलर, मेरे को ऐसे आइडिया नहीं है उसका। एंड बाकी स्पोर्ट्स वगैरह एंड भी सब कुछ अच्छा है यूनिवर्सिटी में, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद आई विल टेल यू अबाउट द लाइक अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए यू हैव टू लाइक बी ऑन अ गुड स्केल जो होती है ना गुड बुक्स में रहना टीचर्स के, अगर आपको वैसा बनना है तो आई सजेस्ट यू आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट करते रहें, जैसे हैकाथॉन होता रहता है यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे भाई चीज़ें होती रहती है यूनिवर्सिटी में, जितनी ज़्यादा के अंदर आप अपने पार्टिसिपेशन दे सकते हैं भाई वो करें, एंड अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं भाई भाई साहब यूनिवर्सिटी के, जैसे तस्वीर क्लब फोटोग्राफी का है, उसके बाद पनाश है मॉडलिंग का, सिंगिंग का है, आर्ट का एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत सारे क्लब्स हैं उसके अंदर भाई आप पार्ट लें, इवेंट्स होते हैं उनके अंदर पार्ट लें, आप ही का भाई CV ग्रो होएगा, मेरा तो इसमें कोई पर्सनल है नहीं, बट आई जस्ट सजेस्ट यू बिकॉज ये चीज़ें मेरे को गाइडेंस एज ए नहीं मिली थी, लाइक थोड़ी बहुत मिली थी इतनी नहीं मिली थी, बट ताकि आप लोग ये गलती ना करें दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ये सब कुछ है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी एक डिटेल वीडियो चिपका रहे यूनिवर्सिटी की और बहुत सारी यूनिवर्सिटी की वीडियोस मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो भाई मैं आई बटन में इधर जहाँ भी आई बटन आ रहा है इधर आएगा वैसे, तो उसके अंदर भाई पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है भाई, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, भाई वो भी चेकआउट कर लेना, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं अलग कोई भी डाउट्स हैं तो भाई वो मेरे को आप लोग कमेंट कर देना, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल स्नैपचैट हैंडल पे आप यू कैन गो स्टिल, एंड हाँ भाई यही कर सकते हो आप, कोई भी कमेंट मेरे को कर देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करूँगा एंड मैं सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करता हूँ भाई, मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं तो भाई मैं कर देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कुछ भी अगर आपको इशू तो मेरे को प्लीज़ बता देना। एंड वन मोर थिंग भाई, यूनिवर्सिटी में ना डिसिप्लिन है, लाइक काफ़ी डिसिप्लिन है, तो भाई आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यू विल गेट योरसेल्फ इन अ ट्रबल, क्योंकि चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं मैं पास, सो आई डोंट वांट कि और किसी के साथ हो, इसका ध्यान रखना। बाकी बुक्स एंड ऑल लाइब्रेरीज आर देयर इन द यूनिवर्सिटी, वेरी गुड लाइब्रेरीज, आप इजीली वहाँ से बुक इशू करवा सकते हो एंड यू कैन यूज़ देम जब तक आपको चाहिए। एंड अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है अपने सिलेबस से, यू कैन जस्ट आस्क योर मेंटर, आस्क योर टीचर, दे विल हेल्प यू आउट, बहुत अच्छे भाई फैकल्टी यूनिवर्सिटी की, स्पेशली चित्तकार यूनिवर्सिटी की अच्छी फैकल्टी है, दे विल हेल्प यू आउट इन लाइक एवरी पॉसिबल वे, तो भाई उसके अंदर आपको करना चाहिए। एंड लाइक स्टडीज़ के बाहर भी आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो भाई यही था बेसिकली जो मैं आपको चीज़ें बताना चाहता था, तो यही था आज की वीडियो के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आल्सो नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय। Please, suffer,
Whatever.